नमस्कार, दिल्ली के DLTA टेनिस स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है और DD स्पोर्ट्स की पूरी टीम यहां पर मौजूद है विमेंस सिंगल्स के फाइनल मुकाबले का पूरा हाल आप तक पहुंचाने के लिए। और हम आपको बता दें कि इस नेशनल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जो दो महिला खिलाड़ी पहुंची हैं उनमें शामिल है जील देसाई और शर्मदा बालू। कैमरे के ठीक सामने ब्लैक ब्लेजर में आपको दिखाई दे रही हैं जील देसाई, और अभी जो फ़िलहाल सर्विस करते हुए नज़र आ रही हैं क्योंकि ये अभी प्रैक्टिस सेशन है, शर्मदा बालू। दोनों के बीच एक बेहतरीन मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। पहला सेट सर्विस करने के लिए तैयार हैं शर्मदा बालू, बेंगलोर की खिलाड़ी। लव 15 स्कोर, साइडलाइन से बाहर जाता हुआ उनका शॉट। ज्यादातर खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस पर बहुत काम नहीं किया है, काफी फॉल्ट सर्विस के साथ उनकी शुरुआत हुई है। फॉरहैंड रिटर्न, रिटर्न नेट पर जाता हुआ जील देसाई का 15 ऑल स्कोर। सर्विस के लिए तैयार शर्मदा बालू, अच्छी सर्विस, अच्छा रिटर्न, लेकिन बेस लाइन से बाहर जाता हुआ इस बार जील देसाई का रिटर्न। 30-15 स्कोर। एक ही दिन पहले डबल्स का सेमीफाइनल जीता, काफी एनर्जी उसमें लगी, लेकिन उसके बावजूद काफी तरोताजा नजर आती हुई शर्मदा बालू। अब नेट के साथ लगते हुए रिटर्न दोनों खिलाड़ियों के, ताकत लगाते हुए राइट साइड में खिलाना ही ठीक था, मौका वॉली के लिए लगाई वॉली और पॉइंट भी मिला। एक मजबूत बढ़त 40-15 की। पहला गेम जीतने की तरफ अग्रसर, सर्विस के लिए तैयार शर्मदा बालू। बेहतरीन सर्विस, अच्छा छकाया इस बार शर्मदा बालू को, और महत्वपूर्ण 15 पॉइंट अपने लिए अर्जित किए शर्मदा बालू। 40-30 स्कोर, अच्छी सर्विस, कोर्ट के दोनों तरफ खिलाने की कोशिश जील देसाई को, लेकिन इसी कोशिश में उनका शॉट साइड लाइन से बाहर जाता हुआ 40 ऑल स्कोर, बल्कि ड्यूज पर सर्विस करते हुए शर्मदा बालू। बैकहैंड रिटर्न, दोनों खिलाड़ी बैकहैंड से खेलते हुए, डबल हैंड रिटर्न, क्रॉस कोर्ट रिटर्न बेहतरीन, और इस बार ये साइड लाइन से बाहर जाता हुआ शॉट, एडवांटेज जील देसाई। अच्छी सर्विस, थोड़ा एयर में खिलाने की कोशिश ताकि गेम थोड़ा स्लो हो सके, फिर गेम को स्लो किया, इस बार कामयाब भी रही। ड्यूज पर सर्विस करते हुए शर्मदा बालू, फॉर सर्विस, इस बार सही सर्विस, बैकहैंड रिटर्न, लेकिन नेट पर जाता हुआ
एडवांटेज की सिचुएशन में पहुंचते हुए बालू पॉइंट लेती हैं तो वो अपनी सर्विस को कामयाब बना लेंगी। मौका वाली लेकिन नेट पर मौका गवाया। तीसरी बार ड्यूज में पहुंचता हुआ मुकाबला। मुश्किल नहीं होगी, नहीं चाहिए यहाँ पॉइंट लेने के लिए, लेकिन मौका गवाया। चाहती तो दमदार शॉट लगा सकती थी, नेट पर लाई। अब पीछे खिलाने की कोशिश लेकिन कामयाब भी रही, हालांकि इसमें खतरा ज्यादा था। एडवांटेज पर सर्विस करते हुए शमदा बालू, अच्छी सर्विस। नेट पर जाता हुआ रिटर्न, चौथी बार ड्यूज। साइड लाइन से बाहर जाता हुआ रिटर्न जिल देसाई का, अपने नाम किया शमदा बालू ने। जिल देसाई पहले सेट में पहली बार सर्विस करते हुए, पहले सेट का दूसरा गेम, अच्छी सर्विस। और ये बेस लाइन से बाहर जाता हुआ रिटर्न, फिफ्टीन लव पर सर्विस करते हुए जील देसाई, इस बार अच्छी सर्विस। और ये हवा में शॉट जो साइड लाइन से बाहर जाकर गिरा, 30 लव पर सर्विस करेगी जील देसाई। सर्विस पोजीशन में अपनी सर्विस पर इस गेम में खराब रिटर्न, गेम अपने नाम किया जिल देसाई ने। वन ऑल तीसरे गेम में सर्विस की शुरुआत करते हुए पता था शर्मदा बालू को कि शॉट बेस लाइन से बाहर जाने वाला है। थर्टी लव स्कोर, बहुत ही आसानी से पॉइंट अर्जित किया। पहले गेम में चार बार ड्यूज हुआ तब जाकर कामयाब हुई शर्मदा बालू। साइड लाइन से बाहर जाता हुआ शॉट हवा में लहराता हुआ जो बीस लाइन से परे चला गया। इस गेम में कोई संघर्ष नहीं कर सकी जील देसाई। काफी ताकत लगाते हुए जील देसाई, और ये बेस लाइन से बाहर जाता हुआ रिटर्न। इस गेम में पहली बार पॉइंट अर्जित करते हुए जील देसाई। जिल देसाई को लगातार परेशान किया कोर्ट के दोनों तरफ, और गेम अपने नाम किया
दो एक से आगे शर्मदा बालू। और झील देसाई बेहतरीन रिटर्न शर्मदा बालू का, लव 15 पर सर्विस करेंगी झील देसाई। अच्छी सर्विस, डबल हैंड बैक हैंड रिटर्न, अब फोरहैंड पे जाती हुई मौका फायदा उठाया 15 ऑल। फॉल्ट सर्विस, नेट बेहतरीन रिटर्न बालू का 15-30 स्कोर, 30-15 पर सर्विस करते हुए। अच्छी सर्विस बेहतरीन रिटर्न बालू का, लॉब किया लेकिन बेस लाइन से बाहर जाता हुआ। बेहतरीन सर्विस, अच्छी रैली और लेफ्ट साइड पर ही बीट किया झील देसाई को। शर्मदा बालू सर्विस करने के लिए तैयार, और पहले सेट में 3-1 की मजबूत बढ़त उनके पास, सर्विस ब्रेक की थी उन्होंने। वॉली लगाई और पॉइंट अर्जित किए 15 ऑल। मौके का जैसे ही फायदा उठाया, पॉइंट मिले शर्मदा बालू 15 ऑल पर सर्विस करते हुए। बेहतरीन सर्विस, मौका काफी दूर झील देसाई। फिफ्टीन थर्टी पर सर्विस करते हुए शर्मदा बालू। काफी दूर थी शर्मदा बालू, झील देसाई ने फायदा उठाया। अब सिचुएशन ये है कि पिछली सर्विस ब्रेक की थी शर्मदा बालू ने, अब झील देसाई के पास मौका है वो शर्मदा बालू की सर्विस को ब्रेक करें 15-40 पर सर्विस करते हुए। बहुत ही शानदार ड्रॉप। सर्विस के लिए तैयार शर्मदा बालू। ड्यूज लेफ्ट साइड में रखा और वहीं से पॉइंट भी लिया।
एडवांटेज पा लूं सर्विस करते हुए। बेहतरीन कोर्ट कवरिंग का फायदा मिला जील देसाई को और ऐसा लगता था कि शायद शमदा बालू पॉइंट लेंगे, लेकिन उनकी वॉली सीधे नेट से टकराई। एक बार फिर से ड्यूज, शमदा बालू सर्विस के लिए तैयार। नेट पर कामयाब नहीं रही जील देसाई, पहुंच नहीं सकी। और इस तरह से एक बार फिर से एडवांटेज की सिचुएशन में ले आई अपने आप को शर्मदा बालू। 3-1 की महत्वपूर्ण बढ़त उनके पास पहले से ही है, अगर ये गेम जीती हैं तो अपने आप को और मजबूत कर लेंगी। नेट पर जाती हुई सर्विस फॉल्ट। आवाज निकलती है उनके मुंह से जब जब वो रिटर्न देती हैं। जील देसाई थोड़ा खामोश रहती हैं। एक बार फिर से ड्यूज, बालू जील देसाई को और ये फिर एडवांटेज की सिचुएशन में पहुंच गई है शर्मदा बालू। बालू एडवांटेज पर सर्विस करते हुए फिर एडवांटेज को खत्म किया जील देसाई ने। एडवांटेज के साथ सर्विस करते हुए शमदा बालू। बहुत मुश्किल कोर्ट पर एक दूसरे को रखा क्रॉस कोर्ट रिटर्न के साथ। अब एडवांटेज सील देसाई के पास, सर्विस ब्रेक करने की सिचुएशन में है जील देसाई। बालू की सर्विस एक बार फिर से एडवांटेज समाप्त जील देसाई के लिए। सर्विस करते हुए ड्यूस पर बालू। नेट पर जाता हुआ रिटर्न, एडवांटेज जील देसाई। बालू सर्विस करते हुए, फायदा उठाना चाहिए था, उठा नहीं पाई। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हुए पहला सेट। बालू सर्विस करते हुए जील देसाई को। बेहतरीन रैली जिसमें अंत में कामयाब रही जील देसाई। 15 ऑल स्कोर
अगर उनकी सर्विस यहाँ ब्रेक हुई तो फिर ये सेट उनके हाथ से जाता रहेगा। और 15-40 स्कोर, जिल देसाई के पास सर्विस ब्रेक करने का मौका और इसी के साथ साथ ये सेट भी अपने नाम करने का मौका। सेट और ये गेम जीतने के काफ़ी नज़दीक जिल देसाई। और इस तरह से 6-3 के साथ ये पहला सेट अपने नाम करने में कामयाब रही जील देसाई। पहला सेट जील देसाई ने 6-3 से अपने नाम किया था। आधा सेट लगभग उन्होंने यहां पर भी अपने नाम कर रखा है सेकंड सेट में। 15 ऑल पर सर्विस करेंगी सील शर्मदा बालू। थोड़ी देर पहले मसल्स पुल का भी वो शिकार हुई जिसकी वजह से खेल थोड़ी देर रुका। मुश्किल में थी बालू और रिटर्न उनका बेस लाइन से बाहर जाता हुआ। 15-30 स्कोर जिल देसाई रिसीव करेंगे सर्विस। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन इस वेमेंस सिंगल्स के फाइनल में। और ये भी आउट जाता हुआ रिटर्न। सर्विस ब्रेक की सिचुएशन में पहुंचती हुई जील देसाई। बेहतरीन रिटर्न जील देसाई का और उसके बाद शमदा बालू का शॉट बेस लाइन से बाहर जाता हुआ। और इस तरह से सर्विस ब्रेक की उन्होंने और सेकंड सेट में चारों गेम अभी तक अपने नाम करने में कामयाब रही हैं जील देसाई। जील देसाई अच्छा मौका लेकिन चूक गई। लव 15 पर सर्विस करते हुए जील देसाई फॉर सर्विस। साइडलाइन से भी बहुत दूर, बहुत ही खराब सर्विस। डबल फॉल्ट, ऐसी सर्विस तो शायद ही देखने को मिलती हो। थोड़ा आराम से करें सर्विस तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बार अच्छी सर्विस, फायदा मिला, पॉइंट भी मिले। बेहतरीन रिटर्न मौका, शानदार वॉली। फोकस शायद हट गया है लेकिन अब राहत की बात की। खराब रिटर्न शमदा बालू का। 30-40 स्कोर,
नेट पर जाता हुआ रिटर्न शर्मदा बालू का ड्यूस। सुशील देसाई कमजोर रिटर्न, ऐसा लगता है कि स्टेमिना जवाब दे रहा है शर्मदा बालू का। सब इसके लिए तैयार सील देसाई। ताकत झोंकी थी, फायदा नहीं मिला, शॉट बेस लाइन से दूर चला गया। इस तरह से 5-0 की मजबूत बढ़त सील देसाई के पास। पहले सेट 6-3 से जीता था सील देसाई ने, दूसरे सेट में 5-0 से आगे फिलहाल शर्मदा बालू सर्विस के लिए तैयार। सील देसाई का बेहतरीन रिटर्न जिसका जवाब शर्मदा बालू के पास नहीं था, अपनी ही सर्विस पर गेम सेट फाइनल उनके नाम, सब कुछ सेट एक तरह से। एक बार फिर फॉल्ट सर्विस, अगर एक और फॉल्ट सर्विस कर दे तो गिफ्ट में दे देंगे ये गेम और सेट एक तरह से शर्मदा बालू ने। और इसी के साथ थोड़ी सी राहत शर्मदा बालू के लिए। एक बार ऐसे लगा नेट से बॉल लगकर शायद सील देसाई के पक्ष वाले कोर्ट में गिर जाए, लेकिन हल्का सा उछलकर वो सील देसाई के कोर्ट की तरफ आई, मुश्किल था उसे रिटर्न करना। 15-40 स्कोर। और इसी के साथ गेम सेट और ये फाइनल मुकाबला सील देसाई के पास। तालियों की गड़गड़ाहट, दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी सील देसाई की, जिस तरह से उन्होंने इस फाइनल मुकाबले को लगभग एक तरफा अंदाज में 6-3 6-0 से अपने नाम किया।